मानी पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चौहान ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 15 अगस्त को धारचूला से कनाड़ी तक हिटो बॉर्डर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहने वाले लोगों और उनके बीच में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को सम्मानित किया जाना है। इस दौरान देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के परिवारों से मुलाकात करते हुए शहीदों को भी सम्मानित किया जाएगा। विधायक बिशन सिंह चौहान ने सभी बॉर्डर क्षेत्र के रहने वाले लोगों से इस 15 अगस्त पर अपने गांव पहुंचकर स्कूल व सैनिकों के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है हिटो बॉर्डर। इस कार्यक्रम के तहत धारचूला से झूलाघाट है और झूलाघाट से आगे कानेड़ी है, वहाँ पर शहीद परिवार है। तो शहीद परिवार भवानी चंद जी का कानेड़ी ग्राम पंचायत वहाँ तक जाए, वैसे तो किलोमीटर की दूरी है, 35 ग्राम पंचायत है। और इस ग्राम पंचायत में हमारे साथ जो रहेंगे आर्मी के जितने भी अधिकारी, रिटायर अधिकारी है, वो रिटायर अधिकारी वो मैं कर्नल है, जनरल है, अन्य जो सैनिक है वो सो लोग उभरते और साथ ही स्तर के भी अधिकारी रहेंगे और पार्टी से भी ऊपर से जो तय होगा वो लोग भी उसमें रहेंगे। तो इस कार्यक्रम का जो है कि जो लोग हमेशा ठीक है सेना के रूप में खड़े रहते हैं, वहाँ के लोग अपनी सीमाओं के लिए